वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद सबसे बड़ा संकट वैगनर पीएमसी की कमान संभालने का है। अब तक दो नाम इस रेस में आगे थे, लेकिन अब एक नाम और जुड़ गया है। ये नाम वैगनर कमांडर येलिज़ारोव का है, और खास बात यह है कि यह नाम भी पिछले दो नामों की तरह प्रिगोजिन के करीबी शख्स का ही है। इसलिए वैगनर पीएमसी में समर्थकों के आधार पर बटने का डर है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट है क्रेमलिन का एक्शन, जो वैगनर का अस्तित्व खत्म करके समर्थक और बागियों के दो धड़ को जन्म दे सकता है। इसीलिए देखिए यह रिपोर्ट। प्रिगोजिन की मौत, वैगनर्स का क्या होगा? मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए प्राइवेट जेट से रवाना हुए वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई। लेकिन प्लेन हादसा और मौत संदेह के घेरे में घिर गए। पहला संदेह पुतिन से बगावत पर गहराया, फिर यूक्रेन, नेटो और अमेरिका का एंगल भी मिला। हालांकि पुतिन ने खुद को शक के दायरे से बाहर निकालने के लिए आक्रामक रुख अपना लिया है, जिससे यूक्रेन का संकट बढ़ गया है। लेकिन यूक्रेन जितना ही संकट इस समय वैगनर पीएमसी पर भी मंडरा रहा है, संकट है वैगनर के नेतृत्व का। आखिर कौन होगा वो लीडर जो रूस के इस प्राइवेट आर्मी को संभालेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वैगनर अब क्रेमलिन के लिए काम करेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब प्रिगोजिन की अंतिम रस्म अदायगी के बाद मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जवाब के रूप में खुलासा वैगनर के नए बॉस का होगा। हालांकि अभी वैगनर चीफ के तौर पर दो नाम दावेदार दिख रहे हैं। इनमें पहला नाम है आंद्रे द्रोशे और दूसरा नाम है अलेक्जेंडर कुज़नेत्सोव। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि प्रिगोजिन के साथ उस क्रैश प्लेन में डिप्टी दिमित्री उत्किन भी सवार थे और उनकी भी मौत हो चुकी है। यही वजह है कि वैगनर के चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभा रहे आंद्रे द्रोशेव और जिन कुज़नेत्सोव की अगुवाई में वैगनर ने बाखमुत फतेह किया था, वो नेतृत्व संभाल सकते हैं। इन दो नामों पर वैगनर लड़ाके भी सहमति जता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही शख्स पहले से वैगनर का नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें आंद्रे द्रोशेव के हाथ वैगनर की कमान आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन वैगनर के लीडर चयन के बीच क्रेमलिन आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन की लीडरशिप में दोनों शख्स भी पुतिन से बगावत करने वालों में शामिल है। इसके अलावा प्रिगोजिन की मौत के बाद यही दो लीडर क्रेमलिन से बदला लेने का आह्वान भी कर चुके हैं। इसलिए मुमकिन है कि ये नाम आगे ना बढ़ाए जाए। लेकिन एक नाम और है जो पुतिन के विरोधी के रूप में पहचाना जाता है। ये नाम है वैगनर कमांडर एंटोन येलिज़ारोव। येलिज़ारोव वैगनर का एक ऐसा लीडर है जिसे प्रिगोजिन के वफादार लोटस की उपाधि मिली है, और यही नाम अब सबसे ऊपर घूम रहा है। येलिज़ारोव ने सोलिदर में यूक्रेन के खिलाफ पीएमसी का नेतृत्व किया था और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसलिए मुमकिन है कि यही नाम अब अगला वैगनर चीफ का हो। लेकिन फिलहाल नेतृत्व विहीन वैगनर्स के आपस में ही पटने की आशंका है, ना सिर्फ लीडर के नाम को लेकर बल्कि क्रेमलिन के प्रति वफादारी और दुश्मनी की जमीन पर। माना जा रहा है कि अब प्रिगोजिन की लीडरशिप वाली पीएमसी को भंग कर दिया जाएगा, इसे नया रूप देकर रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन ऑपरेट किया जाएगा। क्रेमलिन के वफादार कमांडर को इस ग्रुप की लीडरशिप दी जा सकती है, जबकि बगावती तेवर अपना चुके लड़ाके नया संगठन बना सकते हैं। जाहिर है अगर वैगनर ग्रुप टूटता है तो इसका फायदा नेटो और अमेरिका को मिलेगा, इसलिए संभवतः क्रेमलिन के खिलाफ खड़े होने वाले ग्रुप को आसानी से फंडिंग हो सकती है, और फिर जंग वैगनर बनाम वैगनर के भी छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।